मत घबराना जिंदगी में परेशानियों की पतझड़ से, मेहनत की बसंत खुशियों की बहार जरूर लाएगी। खून पसीने से सींचना अपनी कोशिशों को, इन कोशिशों के बल पर ही कामयाबी आएगी। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज है 23 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आप सबको तो टाइम पता ही है, डेली मॉर्निंग में स्पेशल सेशन करंट अफेयर्स का मैं लेकर आता हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों इस 10 मिनट में आपके लगभग मैं करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इसमें कवर करता हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, आप जरूर इसे अटेंड किया करें मॉर्निंग में 10 मिनट का टाइम निकाल कर, ठीक है। और इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि काफ़ी लोग शिकायत करते हैं सर हमें वीडियो मॉर्निंग में नहीं मिलता। तो आप देख लें आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रखा है या नहीं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, सबसे ज़्यादा जरूरी है शेयर जरूर करिएगा, देखिए, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने कल शेयर किया वीडियो, हमारी ट्रेंडिंग में 32 नंबर पर इंडिया में, तो आज भी दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, फटाफट वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सेशन। देखिए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों प्रेसिडेंट का जो संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, अजय भादू को दोस्तों, इनको जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इससे दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात बैच के IAS ऑफिसर हैं और वर्तमान में ये वडोदरा में नगर आयुक्त के रूप में सेवारत हैं ये वर्तमान में, ओके। चलिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें विवेक कुमार की, देखिए अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री का निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया, किसको, विवेक कुमार को, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, देखिए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कौन है, तो भारत के केंद्र सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वर्तमान में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में। और बात करें अगर यहाँ पे के विजय राघवन की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, यानी कि चीफ साइंटिफिक ऑफ एडवाइज़र कौन है वर्तमान में, तो वो है के विजय राघवन, ठीक है। तो चारों आपको पॉइंट याद रखने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव अजय भादू को, बाकी ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। चलिए इसके अलावा दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि राष्ट्रपति की बात यहाँ पे हो रही है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ मैं फैक्ट बता दूँ एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 52 है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है और वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है। देखिए आयु क्या होती है, तो आयु वही 35 ईयर, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35, राज्यपाल के लिए हमने कर बताया 35 होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सर्वाधिक समय तक थे, 12 वर्षों तक थे, ठीक है, सब सर्वाधिक समय तक। इसके अलावा देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जाकिर हुसैन दोस्तों ये ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है SSC रेलवे एग्जाम का एग्जाम में। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे, तो एम हिदायतुल्ला थे, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। चलिए तो ये दोस्तों आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें जो राष्ट्रपति है भारत का राष्ट्रपति, वो देखिए लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2, और राज्यसभा में जो है दोस्तों 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। और ऐसे कौन से सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में ऐसे सदस्यों को 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, और 2 जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ से पता होने चाहिए। चलिए काफ़ी लंबा हो गया पहला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करने लगते हैं सर आप एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम जो है ख़राब कर देते हैं, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में यहाँ से बाहर ना कर पाएँ, कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 कितने बजे लॉन्च किया गया है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग पूछा जाएगा आपसे, चंद्रयान 2 अभी लॉन्च किया गया, आप सबको पता ही है, तो देखिए 2:43 पर, 2:43 पर, दोपहर में 2:43 पर लॉन्च किया गया है। और ये किस यान से लॉन्च किया गया, GSLV Mark 3 से व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, GSLV Mark 3 M1 व्हीकल द्वारा। GSLV फुल फॉर्म क्या होता है, GSLV जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
यहाँ से दोस्तों काफ़ी चर्चित रहा है। तो इसरो जो है लॉन्च किया है, इसरो संस्था, इसरो के बारे में आपको सारी फैक्ट में बता दूं, हालांकि कई बार बता चुका हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ज़रूर याद रखिएगा। वर्तमान में जो चेयरमैन है, निदेशक है इसरो के, के सिवान है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में, ठीक है। यहाँ से 100% पूछे जाने की संभावना मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, और चंद्रयान वन जो था मिशन, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था इसरो द्वारा, तो ये किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में, चूंकि ये भी पूछा जा सकता है इसलिए आपको याद रखना है, ये 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। तो ये भी जो चंद्रयान टू, ये एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके अलावा दोस्तों इस जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। चंद्रयान टू कितने बजे लॉन्च किया गया, 2:43 पर दोपहर में, और किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और देखिए दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें इसका वजन कितना है, वेट कितना है चंद्रयान टू का, 3877 किलोग्राम है, ठीक है, 3877। और किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया, GSLV मार्क 3 रॉकेट से। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रयान टू के लैंडर का क्या नाम है, तो उसका नाम है विक्रम, विक्रम। और चंद्रयान टू के रोवर का क्या नाम है, प्रज्ञान नाम है। देखिए दोस्तों चंद्रयान टू की लैंडिंग चांद के किस ध्रुव पर होगी, तो दक्षिणी ध्रुव पर की जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान टू से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको नोट करके ज़रूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई शुरू किया है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, तो ये दोस्तों किया है तेलंगाना ने, ठीक है। देखिए दोस्तों तेलंगाना जो है ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको बता दूंगी। इसमें जो दोस्तों इमरजेंसी के टाइम पर चिकित्सा यानी मेडिकल आपूर्ति जो है मुहैया कराई जाएगी, इसमें रक्त और टीका जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी, ठीक है। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये शुरू किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। देखिए दोस्तों तेलंगाना के CM कौन है वर्तमान में, वो है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राजधानी क्या है, वो हैदराबाद। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम पे ESL नरसिम्हन है, तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर ESL नरसिम्हन। देखिए तेलंगाना से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, अभी हाल ही में कई एग्जाम में पूछा गया है, 2 जून 2014 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, ओके। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई शुरू किया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, देखिए दोस्तों संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है गायिका एस सौम्या को। किसको, गायिका एस सौम्या को संगीत अकादमी के संगीता कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। संगीता कलानिधि पुरस्कार है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, संगीता कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी हाल ही में अवार्ड्स मिले हैं 2019 में, उनका मैं रिसेंटली उनका मैं रिवाइज करा दूँ। तो देखिए आप ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन और नोट करते चलिए मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला अवार्ड्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ अभी हाल ही में जो मिला है, 2019 का रेड इंक जर्नल किसे मिला है, अभी रिसेंट मिला, रचना खैरा को मिला है, ठीक है। 2019 का रेड इंक जर्नल किसको मिला है, रचना खैरा को। इसके अलावा दोस्तों देखिए UK इंडिया अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, मार्क टुली को दिया गया है। ये जो है ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं मार्क टुली, इनको दिया गया है भारत और ब्रिटेन के संबंध में योगदान को लेकर, ठीक है। UK इंडिया अवार्ड्स 2019 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्क टुली को। इसके अलावा UK इंडिया अवार्ड 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया, कुणाल नैयर को, कुणाल नैयर, ठीक है। UK इंडिया अवार्ड्स में कुणाल नैयर को ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, ओके फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में मिस इंडिया कौन बनी है, मिस इंडिया 2019, तो ये बनी सुमन राव, राजस्थान की सुमन राव मिस इंडिया 2019 बनी है, ठीक है। तो इतने आपको यहाँ से फैक्ट जो है रिवाइज हो गए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया ओपन खिताब किसने जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में इंडोनेशिया ओपन खिताब जीत लिया है जापान की अकाने यामागुची, कंट्री याद रखेंगे जापान की है, अकाने यामागुची ने जीत लिया। किसको हराया है फाइनल में इन्होंने, भारत की PV सिंधु को हराकर इंडोनेशिया ओपन का खिताब, महिला एकल खिताब जीत लिया इन्होंने, ठीक है। वोमेन सिंगल खिताब जीत लिया, वो मेन सिंगल किसने जीता है, देखिए दोस्तों मेन सिंगल चाउ ताई चेन, चाउ ताई चेन ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है। देखिए दोस्तों शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है, गोल्ड मेडल। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप, तो ये आयोजित की गई थी सुहेल जर्मनी में, सुहेल जर्मनी में, ठीक है। ISSF
द्वारा आयोजित की जाती है। देखिए ISSF क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ISSF इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेड हुआ था ये 1907 में, 1907 में। इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं ISSF के, वो कौन है? व्लादिमीर लिसिन। व्लादिमीर लिसिन है। और ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिक जर्मनी में। तो हाल ही में शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इस जो पूरे प्रतियोगिता में भारत टोटल 24 मेडल्स के साथ टूर्नामेंट में नंबर वन पर रहा, ठीक है, पदक तालिका में नंबर वन पर रहा। इसमें 24 में से देखिए 10 जो हैं इसमें गोल्ड मेडल हैं, और 9 इसमें जो हैं सिल्वर मेडल हैं, और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। 10 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ नंबर वन पर रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बॉडी बिल्डर ने मिस्टर साउथ एशिया खिताब जीता है? किस भारतीय बॉडी बिल्डर ने मिस्टर साउथ एशिया खिताब जीत लिया है? तो भारतीय बॉडी बिल्डर रविंद्र कुमार मलिक, ठीक है, रविंद्र कुमार मलिक, इन्होंने जो दोस्तों मिस्टर साउथ एशिया खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे आप। इसके अलावा कहाँ पर आयोजित की गई दोस्तों ये? तो काठमांडू में आयोजित की गई थी, ठीक है, काठमांडू में आयोजित की गई थी 12वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स में, और ओवरऑल चैंपियन का ताज रविंदर कुमार मलिक ने जीता है। देखिए नेपाल की बात करें दोस्तों, नेपाल के PM है KP शर्मा ओली, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। तो ये देखिए जितने भी कंट्री हैं उसके कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, ये जो है बैंकिंग SSC एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेसिडेंट्स कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट्स कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन गए हैं शिव थापा। ओके, शिव थापा। कहाँ पे आयोजित की गई थी दोस्तों ये? तो ये कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी, ठीक है, एस्टाना कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। तो शिव थापा ने दोस्तों प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक विजेता बने हैं शिव थापा। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान के PM कौन है वर्तमान में? आस्कर मामिन है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी नितेंगे। कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो हाल ही में प्रेसिडेंट्स कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बॉक्सर बन गए शिव थापा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दोस्तों, हाल ही में हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है, कौन सा मेडल जीता है? तो हिमा दास ने दोस्तों 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया है। देखिए दोस्तों, जो भारतीय धावक हैं ये, हिमा दास ने अपना शानदार बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए इस महीने का अपना 5वां गोल्ड मेडल जीता है। 52.09 सेकेंड में बेस्ट टाइम के साथ बेहतरीन वापसी की है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो एथलीट किसको? हिमा दास को जाना था, ढींग एक्सप्रेस। ओके, तो हिमा दास 400 मीटर दौड़ में इन्होंने जो है 5वां गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। हाल ही में रामचंद्र पासवान का निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध क्या थे? देखिए दोस्तों, वह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, राजनीतिज्ञ हैं। बिहार के समस्तीपुर के लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया है, ठीक है। तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, और रामचंद्र पासवान जो है दोस्तों ये 4 बार सांसद रहे, और पहली बार 1999 में चुने गए थे, 1999 में। रामचंद्र पासवान का निधन हो गया, प्रसिद्ध क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम याद रखेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर। हाल ही में शीला दीक्षित का निधन हो गया, वो कितनी बार दिल्ली की CM थी? 3 बार टोटल दिल्ली की CM थी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए कितने समुद्र तटों को चुना? फटाफट से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे। वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।